हाँ फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रेम आख्यानक काव्य और उनके नायक और नायिका। जैसा कि सभी को पता है कि भक्ति काल की दो शाखाएं होती हैं, एक था सगुण एक था निर्गुण। सगुण में भी दो शाखाएं थी, एक था राम आश्रय एक था कृष्ण आश्रय। और जो निर्गुण में था, निर्गुण में भी दो शाखाएं होती हैं, एक था ज्ञान आश्रय एक था प्रेम आश्रय। तो प्रेम आश्रय ही प्रेम आख्यानक काव्य है, चाहे इसे प्रेम आश्रय कहो चाहे प्रेम आख्यानक काव्य कहो। तो प्रेम आख्यानक जो काव्य थे, जो उस समय की रचनाएं रची गई, लगभग बहुत सारी रचनाओं का नाम उसकी नायिका के ऊपर आधारित हुआ करता था। तो आज वही काव्य रचनाएं हैं, उसके नायक और नायिका का हम थोड़ा सा ट्रिक से या फिर वैसे ही समझ लेंगे। और ये क्या है कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं, पहले जो एक रचना है, क्या नाम है उसका? चंदायन। पहली रचना क्या है? चंदायन। चंदायन के रचयिता कौन है? सबको पता होना चाहिए, ये बहुत बार पूछा जाता है। चंदायन के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद। यही लिख लेते हैं, मुल्ला दाऊद। चंदायन की रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद है। और उसके नायक नायिका कौन है? लोरी और चंदा। लोरिक जो है वो नायक है, चंदा क्या है इसकी नायिका है। इसके बाद हमारा है सत्यवती कथा। सत्यवती कथा के कौन लेखक हैं? ईश्वरदास। जो ईश्वर है वो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ट्रिक कर लेते हैं। सत्य ईश्वर क्या है? हमेशा सत्य को बताते हैं। ईश्वर कैसे हैं? सत्य को बताते हैं। तो सत्यवती कथा की रचना किसने करी? तो ईश्वरदास ने। और इसके नायिका कौन है? इसके नाम पे ही आधारित है सत्यवती। और नायक ऋतुपर्ण, ये थोड़ा सा अलग है नायक का नाम, तो इसको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सत्यवती कथा का नायक कौन है? ऋतुपर्ण। सत्यवती, ये जो मैंने ट्रिक किया था वो किया था सत्य से ही किया था। ऋतु में तो आती ही है ना, ये तो सत्य है कि ऋतु जो है ग्रीष्म ऋतु शीत ऋतु वर्षा ऋतु ये सारी ऋतुएं आती ही आती हैं। तो ऋतुपर्ण किसका नायक है? सत्यवती कथा का नायक है। इसके बाद है हमारा मृगावती। इसके बाद क्या है? मृगावती है। मृगावती के रचनाकार कौन है? कुतुबन। और इसको प्रथम कवि, प्रेम आश्रय का प्रथम कवि किसने माना है? तो शुक्ल ने प्रथम कवि माना है। शुक्ल ने किसे माना? कुतुबन को प्रथम कवि माना है प्रेम आश्रय काव्य का। इसके बाद इसके नायक नायिका देख लेते हैं। नाम पे ही है मृगावती, लेकिन इसमें नाम के ही आधार पे जबकि रचना का नाम रखा गया है, तो यहाँ पे नायिका का नाम ना पूछकर ज़्यादातर नायक का नाम पूछा जाता है। यहाँ पे मृगावती है और नायक क्या है? राजकुमार। नायक क्या है? राजकुमार है। इसके बाद है पद्मावत। पद्मावत जो है बहुत ही प्रसिद्ध रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की। किसकी रचना है ये? जायसी की रचना है। और इसमें नायिका कौन है? पद्मावती है, जबकि पद्मावत मूवी भी बनी है। तो इसका सभी को ख्याल रखना चाहिए कि ये एग्जाम में पूछा ही जाएगा, इसका नायक कौन है, नायिका कौन, उनकी पत्नी कौन थी। इसमें कई ऐसे हैं कि हृदय का प्रतीक किसे माना गया है, मन का प्रतीक किसे माना गया है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना पड़ेगा। पद्मावती इसकी नायिका है। नायक जो है वो रत्नसेन। इसके नायक कौन है? रत्नसेन, जिसे मन का प्रतीक माना जाता है। मैंने किया था, मन में भी लास्ट में ना है और रत्नसेन में भी ना आ रहा है लास्ट में। तो अगर पूछे पद्मावत काव्य में मन का प्रतीक किसे माना गया है, तो हम किसे लगाएंगे? रत्नसेन को लगाएंगे। इनकी पत्नी कौन थी? नागमती थी, जिसे छोड़कर पद्मावती के पास चले जाते हैं सिंगल दिन। वही सारी कहानी है, कैसे जाते हैं, कैसे पद्मावती से विवाह करके वापस आते हैं।
और उसमें अलाउद्दीन खिलजी का भी वर्णन मिलता है, वही सारी कहानी है। इसके बाद क्या है, मधुमालती, रचना क्या है मधुमालती, और इसके नायक, इसके रचनाकार कौन है, मंझन। मंझन माँ से मधुमालती और माँ से ही मंझन इसके रचनाकार हैं। अब देख लेते हैं मधुमालती, नायिका मधुमालती ही है और नायक पूछा जाता है, नायक कौन है, मनोहर। माँ से मधुमालती, माँ से ही मनोहर। जो मधुमालती है, मधु कैसी लगती, मनोहर लगती है ना, मधु जब हम खाते हैं उसको तो कैसी लगती, मनोहर लगती है। मधुमालती के नायक पूछता है तो मधु मनोहर लगती है, तो उसके नायक मनोहर हो जाएंगे। और इसमें एक और नायक नायिका है, उपनायक और उपनायिका, प्रेमा और ताराचंद, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा प्रेमाश्रय काव्य है जिसमें दो नायक और दो नायिकाएं पाई होती हैं, या एक उपनायक या एक उपनायिका रहती है। तो क्या रहेगा इसका आंसर, मधुमालती। ठीक है, इसके बाद है हमारा काम कंदला। इसके बाद क्या है, काम कंदला। काम कंदला के नाम से बहुत सारे कवियों ने रचना की है, ये किसकी रचना है, आलम की। काम कंदला किसकी रचना है, आलम की है, गणपति की भी है, और कोई एक और कवि हम की भी रचना है, ये किसकी रचना है, आलम की। और नायिका जो है क्या है, काम कंदला है, नायक क्या है, माधव। नायक का नाम क्या है, माधव है, और नायिका काम कंदला। तो माधव नल काम कंदला के नाम पर ही इस, दोनों के नायक और नायिका दोनों के नाम पर इसका नाम रखा गया। इसके बाद क्या है, रूपमंजरी, रचना क्या है, रूपमंजरी। रूपमंजरी किसकी है, ये नंददास की रचना है, नंददास। और रूपमंजरी नंददास की रचना है, रूपमंजरी नायिका है, इसके नायक कौन है, कृष्ण। रूपमंजरी जो होती है वो क्या है, विवाहिता रहती है और कृष्ण से प्रेम करती है। अगर इस तरह से पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आया, ट्रिक के द्वारा समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।